अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव उर्फ ओम प्रकाश श्रीवास्तव की आज इलाहाबाद कोर्ट में पेशी हुई। इसके लिए भारी सुरक्षा के बीच बरेली से प्रयागराज लाया गया। वो बरेली की जिला जेल में पिछले कई सालों से बंद था। प्रयागराज के सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र के बहुचर्चित अपहरण कांड के मामले में बबलू श्रीवास्तव आरोपी है। बरेली की जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव की लंबे अरसे बाद किसी अदालत में पेशी हुई है। जब उसे पेशी के लिए लाया गया तो पुलिस की चार गाड़ियां लगी थी। इस टीम को डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी लीड कर रहा था। हालांकि बबलू श्रीवास्तव ने सड़क मार्ग से प्रयागराज ले जाने के दौरान अपनी जान का खतरा बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराए जाने की मांग कोर्ट से की थी, लेकिन इलाहाबाद के जिला जज ने बबलू श्रीवास्तव की इस अर्जी को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और डीएम को अदालत में बबलू श्रीवास्तव को पेश करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि साल 2015 में 5 सितंबर की रात को सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र जब दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी पंकज को अगवा कर लिया गया था। पंकज की प्रयागराज के स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फोन कर फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो पुलिस महकमा हरकत में आई। हालांकि पुलिस ने फतेहपुर जिले में छापेमारी कर पंकज को सकुशल बचा लिया था। इस अपहरण कांड में बबलू श्रीवास्तव का नाम सामने आया था। बबलू श्रीवास्तव पर आरोप था कि उसने जेल में रहते हुए पंकज का अपहरण कराया। इस मामले में बबलू श्रीवास्तव समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में इस केस में 21 लोगों ने गवाही दी थी। गवाही पूरी होने के बाद बयान मुलजिम 313 बनाया गया। इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की गवाही हुई। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की पेशी के मद्देनजर इलाहाबाद जिला कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि बबलू श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। बबलू के बड़े भाई आर्मी में कर्नल है। बबलू श्रीवास्तव पर अपराध के कई मामले दर्ज है। फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस कस्टडी में जब से माफिया तीक